हाय मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आप में से जो लोग हमारे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि हम अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने ये दिखाया था कि कबीर का जो फर्स्ट हेड शेव है, अब उसके हमने बाल पूरे शेव करा दिए, वो एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। और काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट किया, मैंने भी उसमें ये बोला था कि मैं एक अलग से वीडियो करूँगी जिसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि हमने प्री एंड पोस्ट केयर क्या किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये जो एक पूरा एक्सपीरियंस है, इसके पे जाने से पहले एज अ पेरेंट आप काफ़ी रिसर्च करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, बेबी उस टाइम पर कैसे रिएक्ट करेगा, तो आप क्या करो, कोई कट लग जाए तो क्या करो, होने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर दैट कभी ना कभी आप में से काफ़ी लोग इस जर्नी को जो है क्रॉस करने वाले हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, काफ़ी लोगों ने हमारा जो ये वीडियो है इस पर कमेंट किया था कि आपने कब कबीर का हेड शेव कराया, हमें पता ही नहीं चला। तो इससे हमें पता चला कि काफ़ी लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने उसी दिन जो है कबीर की पिक्चर डाल दी थी। तो इसलिए अगर आप नहीं कर रहे हो तो जैसे मैं आप बाकी वीडियोज़ में भी कहती हूँ, आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। जल्दी से अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम और फेसबुक खोलो और उस पर मॉमकॉम इंडिया को सर्च करो और वहाँ जाके हमें फॉलो करो। तो आइए अब हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो कबीर अभी 16 मंथ्स उसने कंप्लीट किए हैं और लास्ट संडे यानी 17 जून जब फादर्स डे था तो उस दिन हमने कुछ स्पेशल किया, और वो स्पेशल ये था कि कबीर का फर्स्ट टाइम हमने हेड जो था वो शेव कराया। अब काफ़ी जगह पे ये जो है एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है इस चीज़ को, एक ओकेजन की तरह से या एक बच्चे के एक माइलस्टोन की तरह से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। और हर जगह का जो है मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, कोई इसे एक साल में कराता है, कोई 3 साल में कराता है, कुछ लोग 3 महीने के बच्चे का भी हेड शेव करा देते हैं। हर किसी के रीज़न्स इसको कराने के पीछे अलग हैं। तो बेसिकली बहुत ही अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, आप जितने अलग अलग लोगों से बात करोगे सबके एक्सपीरियंस अलग हैं। तो मैं आपको अपने प्योर एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ कि हमने इस पूरी चीज़ को कैसे अप्रोच किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे में ऐसा कोई मतलब कोई वो नहीं बना हुआ है कि आपको इस तरह से कराना है या इस टाइम पे कराना है। तो बिल्कुल सिंपल है कि जब आपका मन है, अगर आपको लगता है कि आपको कराना चाहिए तो आप जाके करा सकते हो। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ मेरा और सौरभ का ये थॉट था कि सबसे पहले जो चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि उसका जो स्कैल्प है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, डेवलप हो जाए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमें एज का सही ध्यान रखना है कि हम किस टाइम पे जाके उसका हेड शेव करवाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी हमारे लिए। तो अभी जो टाइम था हमें बिल्कुल ठीक लगा कि हमें लगा कि उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से फॉर्म हो गया, उसका स्कैल्प इस चीज़ को आराम से ले सकता है। तो दैट वाज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे लिए। सेकेंड क्राइटेरिया ये था कि हमें लगा था कि अगर हमें गर्मी के टाइम में, क्योंकि जनरली बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर हमें लगेगा कि कबीर को प्रॉब्लम हो रही है तब हम इसको कराएंगे, अगर हमें नहीं लगेगा कि उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ऐसा कुछ नहीं है। वी वुड लव कि हम उसके बाल को और लंबा होने दें, और सौरभ को तो बिल्कुल ड्रीम था कि मैं उसके पीछे पोनीटेल बांध सकूँ। बट हमने ऑब्जर्व किया कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम लोग नोएडा में रहते हैं और बहुत एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी भी हुई हुई है, तो कबीर को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। लास्ट कुछ मंथ्स में हमने देखा, अगर आप कबीर को शुरू से उसके वीडियोज़ और पिक्चर्स देखोगे तो आप देखोगे कि शुरू के काफ़ी आई थिंक अबाउट 7-8 मंथ्स तक उसका हेयर ग्रोथ इतना नहीं था, बट अपने आप ही आफ्टर दैट उसका जो हेयर ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा होने लग गया, मतलब फटाफट होने लग गया। तो हमने नोट किया कि अब उसको गर्मी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, इनफैक्ट उसके जो पीछे का पार्ट है यहाँ पे उसको रैशेस भी हो जाते थे, वो पार्क में जाके बहुत खेलता है, मॉर्निंग में जाता है, इवनिंग में जाता है, तो वो स्वेट की वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए आई थिंक लास्ट मंथ हमने ये डिसाइड कर लिया था कि फादर्स डे के दिन हम ये कुछ स्पेशल करेंगे और हम जाके कबीर के बाल जो है कटवा लेंगे। ये हमारी एक छोटी सी सेरेमनी हो जाएगी कि सेकेंड फादर्स डे पर हमने कबीर का हेड शेव कराया था। तो ये हमारे दो क्राइटेरिया थे, पहला स्कैल्प और दूसरा अगर हमें लगेगा कि बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, ओनली देन वी विल गो हेड विद दिस। हमने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया था कि एक जो बात बनी हुई है कि हेड शेव कराने से बच्चे के बाल जो हैवी आते हैं, थिक आते हैं, अच्छे बाल आते हैं, क्या ये जेन्युइनली सच है? बिकॉज अगर ये सच है तो आई एम श्योर एवरी पेरेंट यही कराना चाहता है।
बट हमें पता चला कि बेसिकली साइंटिफिकली ऐसा कहीं प्रूवन नहीं है या कोई स्टडी नहीं हुई है या कोई रीज़न नहीं निकल के आया है जो ये बताता है कि हेड शेव कराने की वजह से जो है जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छा होगा। जिनके कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा ही होते हैं बहुत थिक बालों के साथ, बहुत ही हैवी बालों के साथ, अच्छे बालों के साथ, तो मतलब हेड शेव कराने के बाद भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक पर्सनल आई थिंक पेरेंट टू पेरेंट एक्सपीरियंस है। कई बार हमारा माइंड ऐसा सोच लेता है कि अच्छा मैंने ये कराया था इसकी वजह से ये हुआ होगा, और ये चीज़ें बहुत पुरानी बनी आ रही हैं तो इस वजह से हम उसे कंटिन्यू करते रहते हैं, जिसमें कोई हार्म नहीं है। मतलब जब तक किसी चीज़ की अच्छी फीलिंग आए आई थिंक हमें कंटिन्यू कर देना चाहिए। बट हमारा ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, हमने साइंटिफिक जब रिसर्च किया तो हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, हमने जब अपने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने भी हमें ये बताया कि कहीं पर भी प्रूव नहीं हुआ है, आपको कराना है तो प्लीज़ गो अहेड, कोई मनाही नहीं है, इट्स समथिंग जो आपकी पर्सनल कॉल है। बट इस थॉट प्रोसेस के साथ मत जाना कि मैंने ये करवाया था तो मेरे बच्चे के बाल जो है अच्छे क्यों नहीं आए या हैवी क्यों नहीं आए, तो मतलब मुझे 4 बार और कराना चाहिए या मुझे 1 बार और कराना चाहिए, क्योंकि ये फिर कंटिन्यूड आपका चलता ही रहेगा। तो सेकेंड बात ये है कि हमने ये रिसर्च करा था, तो इस थॉट प्रोसेस के साथ हमने इस पूरी चीज़ को अप्रोच किया। तो हमने एज अ प्री रिक्विजिट सबसे इम्पॉर्टेंट समझा अपने डॉक्टर से बात करना कि हमें क्या केयर लेनी चाहिए इस पूरे प्रोसेस के लिए। सबसे पहली चीज़ उन्होंने हमें बताई कि आप ये ध्यान रखो कि जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, चाहे ब्लेड यूज़ हो रहा है, कुछ भी यूज़ हो रहा है, वो बिल्कुल स्टेराइल और क्लीन हो। तो इसलिए हमने इस चीज़ का ध्यान रखा कि हम एक अच्छी जगह से कराएं जहाँ पे हम ट्रस्ट कर सकें कि उनका जो इक्विपमेंट है क्लीन है। नंबर टू, उन्होंने हमें बताया कि इमिजिएटली ये कराने के बाद बच्चे को बाथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बाल जो लगे रह जाते हैं बॉडी पे वो बच्चे को काफ़ी इरिटेट कर सकते हैं। तीसरा, उन्होंने हमें समझाया कि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नहीं पड़नी चाहिए बच्चे के हेड पे, क्योंकि एज इट इज़ बच्चे का हेड जो है वो गर्म हो जाता है, तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर जो है नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा धूप में जा रहा है तो इंश्योर करो कि उसने हैट या कुछ ना कुछ पहना हुआ है, इसका बहुत ध्यान रखना है। और चौथा, अगर कोई कट वगैरह लग जाता है तो एक ऑइंटमेंट उन्होंने हमें बताई थी टी बैक्ट के नाम से, ये हमारे डॉक्टर ने बताई थी। आप जब ये एक्सपीरियंस करोगे तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके ही लेना, बिकॉज हम मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है तो आई डोंट वांट टू रेकमेंड एनीथिंग, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने हमें बताया कि अगर वो हो तो आप रेगुलर इंटरवल्स पे वो टी बैक ऑइंटमेंट लगाओ, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, बाल हटेंगे और बाल जो है वो वापस आ जाएंगे। तो इस तैयारी के साथ हमने क्या किया, हमने एक अच्छा सलून जहाँ पे हम भी नॉर्मली जाते हैं वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली। उनके पास ऑलरेडी कोई एक हेयर ड्रेसर थे जो जिनको एक्सपीरियंस था बच्चों के हेड ऐसे शेव करने के लिए, तो हमने वहाँ पे जाके कबीर का जो पूरा हेड शेव प्रोसेस है वो स्टार्ट किया। एकदम से ऑब्वियसली कबीर के लिए नया एक्सपीरियंस था तो उसको डिस्कम्फर्ट हुआ, वो थोड़ा रोया भी, उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो सौरभ उसको गोदी में लेके बैठे ताकि सौरभ उसको पकड़ सके, नहीं तो बच्चा एकदम से हाथ पर जब हिलाएगा तो ज़्यादा चांसेस है कट वगैरह लगने के। तो जो शुरू का प्रोसेस था वो धीरे धीरे सेटल हो गया, उसका काफ़ी अच्छे से निकला, ये सारा पार्ट उसका अच्छे से हो गया। बट होता क्या है कि क्योंकि हेड शेव के टाइम पे आपका सिर भी पकड़ा हुआ है और वो नीचे कर देते हैं, तो एक बच्चे के लिए काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको अपना बताती हूँ, जब मैं अपने हेयर कट कराने जाती हूँ तो मैं भी एक कॉन्स्टेंटली एक ही पोजिशन में नहीं बैठ सकती, मुझे भी ब्रेक लेना पड़ता है और मैं बोल देती हूँ कि 1 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। तो आई एम श्योर कबीर को भी वही डिस्कम्फर्ट हो रहा था, तो क्योंकि वो कंटिन्यू चलता ही जा रहा था तो जब लास्ट में उसका यहाँ का थोड़ा सा पार्ट बचा था तो उसने इमीडिएटली मतलब क्या किया, उसने एकदम से सर अपना घुमा लिया और वो ऐसे हुआ कि जो हेयर ड्रेसर थे उनको भी एकदम से नहीं समझ आया या उनसे मिस हो गया, वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट कबीर को कट लग गया, विच वॉज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे उसको एक मतलब काफ़ी बड़ा कट था और इमीडिएटली खून आने लग गया। तो आप में से जितने लोगों ने वो वीडियो देखा, आपने पूछा हमसे कि आपने वो काला काला क्या लगाया था, तो एक्चुअली हमने नहीं लगाया था, इन लोगों को जो हेयर ड्रेसर्स हैं इनको अपना एक्सपीरियंस होता है ये सब करने का। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमीडिएटली एक कॉटन लिया, कॉटन को बर्न किया और उसको इमीडिएटली उसके जो कट है उसके ऊपर लगा दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये सही चीज़ है या नहीं है, बट क्योंकि एकदम से ऐसा हुआ था और उनको ये लगा कि ये चीज़ करना बिल्कुल ठीक होगा, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें बोला कि आप ट्रस्ट करो और हमें ये लगाने दो। तो उन्होंने बताया कि इससे ब्लड जो है वो रुक जाएगा और आप जब तक घर पहुंचोगे और बेबी को नहलाओगे तब तक कॉटन भी जो है वो पानी के साथ निकल जाएगा, उसके बाद आपके पास जो ऑइंटमेंट है आप वो लगा सकते हो, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट था ब्लड को रोक देना।
तो उन्होंने इमिजिएटली वो लगाया। कबीर ऑब्वियसली उस टाइम पे काफ़ी रो रहा था जब इतना बड़ा कट उसको पड़ा था, बट आई थिंक ये बच्चा ही एक बिल्कुल फाइटर बच्चा है, मैं हमेशा इसके बारे में ये बोलती हूँ। तो इसने काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ वापस से नॉर्मल हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो हम उसका इतना पार्ट छोड़ सकते थे और जो हमें दोबारा कराना पड़ता, या फिर फटाफट हम 2-3 मिनट का काम था ख़त्म कर सकते थे। तो आई थिंक कबीर ने हमें वो इनकरेजमेंट दी कि कोई बात नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, जस्ट कैरी ऑन विद इट। और हमने जो बाकी पार्ट था उसको क्लीन करवाया। क्लीन करवाने के बाद दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे हुए थे, तो उसके लिए हम एक हैट लेके गए हुए थे। वो हैट हमने उसको पहनाई, हम उसको कार में वापस लाए और घर लेके आ गए। अब घर लाने के बाद नहलाने से पहले एक चीज़ जो हमने करी थी वो एक होम रेमेडी थी। नॉर्मली क्या होता है कि सिर को थोड़ा सा कूल करने के लिए आप शैम्पू वगैरह इमिजिएटली नहीं लगा सकते हो, बिकॉज बच्चे को इरिटेशन होगी, तो आप ये जो ठंडी ठंडी चीज़ें होती हैं वो यूज़ करते हो। तो हमें काफ़ी लोगों ने बताया था, किसी ने हमें बताया था कि दही में हल्दी डाल के लगाओ, किसी ने बताया था सिर्फ हल्दी का पेस्ट लगाओ, किसी ने बताया था कि चंदन और हल्दी को मिक्स करो, किसी ने बोला सिर्फ चंदन को करो। बट क्योंकि उसको कट लगा हुआ था तो हम कोई भी रिस्क अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ दही जो है उसके हेड पे लगाया, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। दही की कूलिंग प्रॉपर्टीज सबको पता ही है कैसी होती हैं, तो हमने वो करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद उसको बाथ दिया। तो दही से बहुत ही एक अच्छा मॉइस्चर भी जो था उसके सिर को मिला, एक मतलब सॉफ्टनेस जो थी वो पता चल रही थी, और उसको भी काफ़ी ठंडा ठंडा लगा। क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि उसका सिर जो था वो काफ़ी गर्म हो रहा था, तो आई एम श्योर वो जो हीट, वैसे भी सिर जो है सबसे गर्म पार्ट होता है बॉडी का, बट जब हीट ऊपर जा रही थी तो उसकी वजह से वो काफ़ी गर्म हो रहा था। बालों की वजह से ज़्यादा पता नहीं चलता है, बट जब बाल नहीं है तो आपको एकदम से छू के थोड़ा डर लग सकता है। तो आई थिंक दही ने उसको जो है काफ़ी रिलैक्स किया। और उसको नहलाने के बाद हमने हल्का सा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है हमारे पास, कोकोनट ऑयल में भी बहुत ही कूलिंग इफेक्ट होता है, बिल्कुल हल्का हल्का कोकोनट ऑयल अपनी फिंगर्स पे लेके उसके स्कैल्प पे लगा दिया ताकि उसको आराम रहे। ये करने के बाद अब सारा प्रोसेस जो था वो नॉर्मल कंटिन्यूड रहा। जो टी बैग ऑइंटमेंट है हम हर 3 घंटे के गैप पे उसके कट पे लगा देते थे, एंड अभी ऑलमोस्ट 7 डेज हो गए हैं, मतलब एग्जैक्ट 1 हफ्ता हो गया है इस पूरे प्रोसेस को, और उसका जो कट है मैं आपको बता सकती हूँ ऑलमोस्ट हील हो चुका है। लास्ट 1 हफ्ते से हम ये रेगुलरली कर रहे हैं, हम उसको शैम्पू नहीं लगा रहे हैं, नहाने से पहले हम उसको दही लगा देते हैं, और रात को जब वो सोता है उससे पहले हम उसको हल्का हल्का कोकोनट ऑयल लगा देते हैं, और हम सन को जो है अवॉइड कर रहे हैं। ये ही हमने बस पोस्ट केयर में किया है जिससे हमें जो इफेक्ट है वो सही दिख रहा है। इनफैक्ट कबीर के मेरे को बाल भी वापस आते हुए दिख रहे हैं, उसका सिर ऑलरेडी जो है वो ग्रीनिश ब्लैक जो इफेक्ट है वो सारा आना शुरू हो गया, मुझे उसके बाल फील हो रहे हैं। तो आई थिंक काफ़ी क्विकली जो है रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, विच आई एम ऑल्सो हैप्पी अबाउट। इनफैक्ट हमें जो हेयर ड्रेसर है उन्होंने एक और बात बोली कि अभी जो उन्होंने शेव किया वो स्ट्रेट शेव किया क्योंकि बाल उतारने थे, बट 1 महीने के अंदर अंदर एक बैक शेव भी करवा लेना चाहिए, उससे जो है बाल और अच्छे आते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये ट्रू है नहीं है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बट आई थिंक मैं और सौरभ अपना थोड़ा सा रिसर्च करके एक डिसीजन लेंगे कि हमें दोबारा कराने की ज़रूरत है भी या नहीं। बट अभी कबीर काफ़ी रिलैक्स्ड है, वो गर्मी बहुत इन्जॉय कर रहा है, पहले जैसे वो अपने बाल पकड़ लेता था वो सब अब नहीं हो रहा है। तो आई थिंक एक काफ़ी हल्कापन उसको फील हो रहा है, वो जो सारी हीट रैश वगैरह उसको होता था वो नहीं हो रहा है, तो जो हमारा मोटिव था कराने का आई थिंक वो सक्सेसफुल हो गया है। अब लाइफ बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, कल से हम उसका वापस से जो है मसाज और बात का रूटीन करेंगे, जहाँ पे हम उसके सिर पे पहले भी कोकोनट ऑयल लगाते थे वो लगाएंगे, फॉलोड बाय शैम्पू जो है वो यूज़ करेंगे। सो आई थिंक वो नॉर्मल रूटीन रहेगा। काफ़ी लोगों ने हमें ये भी बताया कि आपको मस्टर्ड ऑयल लगाना चाहिए या जैतून का तेल लगाना चाहिए, बट हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। आई थिंक कोकोनट ऑयल कबीर को काफ़ी अच्छा सूट कर रहा था, तो आई थिंक अभी हम वो कंटिन्यू करेंगे, बट जस्ट इन केस हमने चेंज किया तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप में से काफ़ी लोग हमसे इनफैक्ट पूछते हैं कि हम क्या कबीर के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो कभी भी आपको चेक करना हो तो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं जो हम कबीर के लिए यूज़ करते हैं, तो आप वो डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो। तो बस ये था हमारा सिंपल सा एक्सपीरियंस। मैंने आपको क्लियरली बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने आपको बताया कि हमने प्री स्टेप में क्या किया। मेरे हिसाब से मैंने अपने डॉक्टर को हमेशा ट्रस्ट किया है, इसीलिए मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था कि इस बार भी मैं उनसे जाके पूछूं कि क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और डेफिनेटली वो सब चीज़ों ने हमें बहुत हेल्प किया। आई थिंक एज एन एक्सपीरियंस हर बच्चे का एक्सपीरियंस ऐसा होगा, बच्चा रोएगा, पेरेंट्स को स्ट्रांग होके करना होगा, मतलब दैट्स अ पर्सनल कॉल। अगर आप करवाना चाहते हो
तो आप करवाओ। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने हेड शेप जो है नहीं करवाया, सिर्फ कट कर करके दे हैव कंटिन्यूड विद द हेयर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एंड द चिल्ड्रन आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अगेन ये एक पर्सनल कॉल है, और पोस्ट केयर का आप एटलीस्ट एक हफ्ते तक ध्यान रखोगे तो आई थिंक लाइफ विल बी प्रिटी गुड। जैसे हमारे साथ है, हम बहुत हैप्पी हैं, कबीर बहुत क्यूट लग रहा है, बट मैं वीडियो में बोलना चाहूँगी ताकि कभी भी वो वीडियो देखे तो उसको पता हो कि मैं और सौरभ उसके बालों को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। आई थिंक वो हमेशा रहेगा ही। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो हमें डेफिनेटली बताना, और जब भी आप अपने बेबी का हेड शेव कराओगे तो हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नीचे रेड बटन दिया हुआ है उसके साथ एक बेल आइकन दिया है जिसको हिट करोगे तभी आपको टाइमली नोटिफिकेशन आएगा कि मॉमकॉम इंडिया पे एक वीडियो अपलोड हुआ है। और लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड कॉमेंट हमें ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।